शिक्षा विभाग की माने तो प्री बोर्ड परीक्षाओं से बच्चों की तैयारियों का आंकलन अध्यापक कर रहे हैं। इसके बाद अध्यापक उसी के आधार पर आगामी वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। उच्च शिक्षा उप निदेशक प्रकाश चंद धीमान ने बताया कि बच्चों की मेंटल हेल्थ को देखते हुए ही अब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हर एक अध्यापक अपनी रणनीति तैयार करके बच्चों पर इम्प्लीमेंट कर रहा है ताकि बच्चों को वार्षिक परीक्षाओं के चलते किसी भी तरह की परेशानी न हो। और शिक्षा विभाग का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई प्री बोर्ड परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए एक काउंसलर का कार्य कर रही हैं। ये परीक्षाएं बच्चों को वार्षिक परीक्षाओं को लेकर तैयार कर रही हैं। वहीं विभाग बच्चों के प्री बोर्ड रिजल्ट देखने के बाद बच्चे को उसी विषय में तैयारी करवा रहा है जिसमें वे अधिक कमजोर है। शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा उप निदेशक प्रकाश चंद धीमान का कहना है कि प्री बोर्ड परीक्षाओं की वजह से अध्यापकों को भी बच्चों को पढ़ाने में आसानी हो रही है। वहीं उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय बिलासपुर का निरीक्षण भी किया और कक्षा में जाकर बच्चों से सवाल भी पूछे गए जिसमें काफी बच्चों ने जवाब नहीं दिया। वहीं उन्होंने पढ़ाई में कमजोर बच्चों को देखते हुए अध्यापकों को निर्देश दिए कि पढ़ाई में कमजोर बच्चों पर ध्यान दिया जाए। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू कांगड़ा लाहौल स्पीति व बिलासपुर जिले में बतौर SHO व DSP रहते हुए अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले संजय कुमार शर्मा की कार्य के प्रति निष्पक्षता व निडर भाव को देखते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उन्हें उत्कृष्ट सेवा सराहनीय मेडल व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है जिसे शिमला में आयोजित एक सम्मान समारोह के दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने CM जयराम ठाकुर की मौजूदगी में सौंपा है। सन 1990 में SFI पद पर अपनी सेवाएं शुरू करने वाले DSP संजय कुमार शर्मा सुंदरनगर के भोजपुर गांव के रहने वाले हैं। वहीं 1983 में बरमाणा थाना प्रभारी के पद पर सेवाएं देने पर उन्होंने एक हत्या के मामले को बहुत जल्दी सुलझा कर राजस्थान से आरोपियों को पकड़ लाए थे। इस पर बिलासपुर जिला प्रशासन द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया था। वहीं DSP संजय शर्मा ने 1998 में बैजनाथ थाना प्रभारी होने पर एक जंगल से आतंकवादी को भी पकड़ा था। लगातार 9 घंटे तक जंगल में चले रेस्क्यू के बाद संजय शर्मा ने अपनी टीम के साथ आतंकवादी को गिरफ्तार किया था। यही नहीं DSP संजय शर्मा ने 2007 में रोहतांग दर्रा में बर्फ के तूफान में फंसे 382 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला था। इसे लेकर कुल्लू प्रशासन द्वारा संजय शर्मा को सम्मानित भी किया गया था। इसके साथ ही अपने 29 सालों के कार्यकाल के दौरान जहां संजय शर्मा ने कई नशा माफियाओं को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में चरस व चिट्टे की बरामदी की थी तो साथ ही अनसुलझी चोरी की घटनाओं को भी अपनी समझदारी से सुलझा कर पुलिस विभाग का नाम रोशन किया था। वहीं अपने कार्य को लेकर संजय शर्मा को जिला व राज्य स्तर पर 75 से अधिक उत्कृष्ट सेवा प्रशस्ति पत्र मिल चुके हैं। वहीं उनकी कार्य दक्षता को देखते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उन्हें 26 जनवरी को प्रशस्ति पत्र भेजा गया था जबकि हिमाचल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को राष्ट्रपति द्वारा उन्हें उत्कृष्ट सेवा मेडल दिए जाने के आदेश भी दिए गए थे जिसके बाद DSP संजय शर्मा को ये अवार्ड बीते दिनों शिमला में आयोजित एक सम्मान समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा दिया गया। अवार्ड प्राप्ति के बाद बिलासपुर पहुंचे DSP संजय शर्मा ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए इसका श्रेय अपने परिवार व वरिष्ठ अधिकारियों को दिया है। इसके साथ ही उन्होंने निर्भय निष्पक्ष और सत्यनिष्ठा भाव से काम करने की बात कहते हुए पुलिस विभाग के इस स्लोगन को अपने जीवन में उतारने और आगे भी इसी रास्ते पर चलते हुए देश सेवा के प्रति समर्पित रहने की बात कही है।